इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में ज़ेरे तामीर इमारत की बालाई मंजिल की गैर कानूनी तामीर गिराने के लिए CDA के महकमा बिल्डिंग कंट्रोल के अहलकार पुलिस की भारी नफरी के हमराह पहुंच गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नुमान मकसूद से। नुमान मकसूद, बताइएगा कितनी मंजिलें तामीर करने की इजाज़त थी और इमारत पर कितनी मंजिलें तामीर की जा रही थी? कुरुतलैन, इस्लामाबाद में बिल्डिंग कंट्रोल के महकमे की जाने से जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और अब जहां पर गैर कानूनी जो इलाकों के अंदर जो है वो तामीरें जारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही हैं, जबकि जो रिहायशी इलाकों के अंदर जो तामीर की गई हैं इमारतें कमर्शियल, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया गया है। ये जो इमारत है F10 की मारूफ मरकज है जहाँ पर ये इमारत तामीर की जा रही थी, 5 मंजिला ये इमारत थी जिस पर 6 मंजिल तामीर की जा रही है थी और CDA के ज़राए का कहना है कि यहाँ पर इससे ऊपर भी इस तामीर की तैयारी की जा रही थी बिल्डिंग की, तो इस पर जो है वो CDA का जो इंटेलिजेंस का हमला है उसने ये इतला दी CDA को, जिस पर बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा पहुंचा और इस इमारत के ऊपर जो 6ठी मंजिल तामीर की जा रही थी उसे रोकने के लिए CDA का हमला पहुंचा और पुलिस की भारी नफरी जो है वो बुला ली गई, क्योंकि जो बिल्डिंग मालकान हैं उन्होंने CDA को कार्रवाई करने से रोक लिया है, जिस पर CDA ने पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों। शुक्रिया नुमान मकसूद।